नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। बांदरी थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की एको मारुति गाड़ी जिसमें में अवैध रूप से अधिक मात्रा में शराब भरी हुई है, वह बांदरी नेशनल हाईवे 44 के होते हुए ग्राम पिरदुआ की तरफ जा रही थी। थाना प्रभारी बांदरी ने बिना देर किए पुलिस टीम गठित करके मुखबिर द्वारा बताई गई गाड़ी का इंतजार पाली तिराहा पर करने लगे, जो कुछ समय बाद नेशनल हाईवे NH 44 पर लगी चेकिंग के दौरान इको कार गाड़ी को रोका, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने कार को रोककर कार की तलाशी ली, जिसमें 24 पेटी देसी मसाला शराब जब्त की। व मौके से दो शराब माफिया राहुल यादव व हलकाई पटेल निवासी पिरदुआ को गिरफ्तार किया है, जिसमें शराब की कीमत 1,32,000 रुपये बताई गई है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। बांदरी थाना प्रभारी की लगातार सक्रियता के कारण बीते दिनों में दो अंधे कत्ल के खुलासे हुए थे, वही शराब माफिया पर लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। मुकेश राय, बांदरी। इसमें कुल 24 पेटी देसी मसाला शराब मिली है। साथ में दो आरोपी थे जिनको मौके पर गिरफ्तार किया गया है। शराब की जब्ती कर प्रकरण 34-2 अवकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया है। 24 पेटी में सर कितने पाव शराब? उसमें कुल 1200 पाव शराब के थे, जो 216 लीटर कुल शराब थी, जिसकी कीमत करीबन 1,32,000 है और गाड़ी की कीमत करीबन 5,00,000 है। गाड़ी की रसद की कार्रवाई प्रत्यक्ष से की जा रही है, जैसी होती है आपको अवगत करा दिया जाए। इससे पहले भी सर आपने यहाँ पदस्थिति के दौरान कई अवैध शराब के प्रकरण बनाए हैं? हाँ, इससे पहले भी कई लोगों पर प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। बाकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अवैध शराब का कारोबार करेगा जो गांव देहात में माहौल खराब करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो क्षेत्र में नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अपने आर्थिक फायदे के लिए बाहर से ला करके शराब बेचते हैं, तो उन पर सतत रूप से पुलिस कार्रवाई कर रही है।